इसको बंद करो फिर से चालू करो। ये महाकाली धाम बेतौरा ग्राम सभा में स्थित है, जो बेतौरा गांव ग्राम सभा ही एक गांव है जो रावली शहर से लगभग 22-23 किलोमीटर दूर पर स्थित है। लेकिन ये तो 16 किलोमीटर जो भी है लगभग वही 22-23 स्थित है। ये प्राचीन महाकाली जी का यहाँ प्राचीन मंदिर है, जो दूर दूर से लोग यहाँ मनोकामना पूर्ण करने के उद्देश्य से लोग आते हैं यहाँ पे। अपनी श्रद्धा भावना से जो भी कार्य संकल्पित करते हैं लोग यहाँ पर आकर के उन्हें पूर्णता लगभग पूर्णता होती है, उनका उद्देश्य पूर्ण होता है, जो अच्छा उद्देश्य होता है। खराब उद्देश्य किसी मंदिर में किसी दरगाह में चर्च में जाने से कभी किसी का नहीं पूरा होता है। और ये संदेश हमारा है जन जागरण के लिए, जो महामानव इस अवघड़ महामानव श्याम साधु ने करके दिखाया है इस विश्व के अंदर में, कोई ऐसा संत भी नहीं दिखा है जो इनके जैसे सेवा करने वाला पराक्रमी हो और मानवता की पराकाष्ठा से ऊपर उठ के कार्य करके दिखाया इन्होंने अपने जीवन में। लगभग 75 साल की आयु उम्र हो चुकी है इनकी, 78 साल की 78 ईयर्स हो चुके हैं। इस अवस्था में कार्य करना बड़ा असंभव होता है, परंतु लगभग मुझे 10 साल का समय हो चुका होगा साथ में रहते हुए लगभग। और कभी चाहे रात को 12 बजा हो चाहे 10 बजा हो, ठंडी हो गर्मी हो, जहाँ कोई भी फोन गया सूचना गई पहुँच जाएंगे वहाँ पे, अपना कार्य करेंगे संदेश देंगे। फिर इनको बंदर भोज सुबह शाम आपका बंदर भोज होता है रावली में, तो उसके भी ध्यान देना होता है। पशुओं का जानवरों का इलाज, गाय है कहीं घोड़ा है गधा है और अन्य पशु कुत्ते हैं बिल्ली है जो भी, सुबह तक को महामानव श्याम साधु ने सुबह तक का भी इलाज किया, उन्होंने सुबह को बिठा लिया था। तो इसलिए किसी जाति धर्म से मतलब नहीं, मानव धर्म से, मनुष्य को मानव धर्म से मतलब होना चाहिए। और 16 जनवरी को संक्रांति के उपलक्ष्य में 14-15 जनवरी में यहाँ मेला होता है, मेले का आयोजन होता है इस महाकाली धाम में। 16 जनवरी को यहाँ पर भंडारे का आयोजन होता है, विशाल भंडारे का, उसमें बाल भंडारा का महत्वपूर्ण योग होता है। और हमारा संदेश है अगर जिन्हें किसी प्रकार का सहयोग करना हो धर्म के लिए तो वो सहयोग कर सकते हैं इस बाल भंडारे में। आप अपना मोबाइल नंबर बोल दीजिए। हाँ, इस बाल भंडारे में अपना सहयोग दे सकते हैं और हमारा मोबाइल नंबर नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं 9918549746। एक बार सुन फिर देख लीजिए आप 9918549746 पे संपर्क कर सकते हैं। और जो सहयोग देना हो हमारे मावन श्याम साधु के साइट पे भेज सकते हैं, उनके द्वारा भेज सकते हैं उनके पास में, क्योंकि अकाउंट नंबर होगा इनका, मेरा कोई अकाउंट नंबर नहीं है। इसलिए अगर किसी को किसी प्रकार का सहयोग करना हो इस भंडारे में या अन्य किसी प्रकार का सहयोग करना हो, क्योंकि मैं तो काम करता हूँ जनजागरण के लिए, हमें इस मानव सोई हुई मानव शक्ति को जगाना है। और किस माध्यम से जगाना? सेवा के माध्यम से जगाना है। तो जिस जिन्हें किसी भी हमको किसी जात धर्म से मतलब नहीं, मुझे मानव धर्म से मतलब है, मनुष्य को हमारा मनुष्य को कर्तव्य की ओर देखना है। अगर वो किसी जात धर्म में फंसेगा तो काम नहीं कर पाएगा, नहीं कर, ठीक है। हमारा संदेश है, देखिए अब एक हमारे बाबा जी आए हुए हैं झूले के साथ में आए हुए हैं, अवघड़ पंथ के हैं ये भी, अवघड़ त्रिशूलधारी के नाम से जाने जाते हैं। और मैंने इनको भी कहा कि अब सेवा में लग जाएंगे, मतलब अब वो झूला वाला समय नहीं आएगा आपका। बहुत दिन देख लिया आपने झूला, देखा आप झुलाया, बहुत दिन झुलाया लोगों को, झुलाया बहुत लोग है अब, लेकिन अब जो वो तुमको झुलाएगा, वो अब तुमको झुलाएगा पलने के अंदर में। जैसे किसान को झुलाया था उन्होंने माता योदा ने, वैसे जो है मैंने बता दिया आप झुलाएगा वो तुमको। तो इसलिए एक बाबा जी और भी देखो आ गए, मैंने कहा अब भाई पूर्ण रूप से देखो अब समय गुजर रहा है आपका, क्या समय गुजर रहा है, आने वाली अवस्था कैसी होगी, कौन सेवा करेगा, क्या व्यवस्था होगी, तो इसलिए कुछ बना लीजिए अभी से। तो मानव धर्म पे विशेष संदेश महामानव श्याम साधु का है कि हे मानो जागो, हे मानो जागो, उठो, सो नहीं, सोचो, विचार करो और कुछ करके देखो, कुछ करके देखो। सही, जय हिंद, जय भारत, जय।